हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे पांच क्वेश्चंस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स इज़ लाइव। 20 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था, 88 डेज़ का रहेगा और अभी इसमें इकोनॉमी चल रहा है एंड वी विल बी कवरिंग बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम स्टैटिक कवर करेंगे कि नहीं। हम दोनों जो मॉड्यूल्स हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, दोनों को ही कवर करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू लास्ट अंटिल 30th April, राइट? सो अप्रॉक्सीमेटली 250 आवर्स ऑफ टीचिंग रहेगी। इन केस यू वॉन्ट टू एनरोल, यू कैन गो टू sleepyclasses.com एंड एनरोल, राइट? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू ग्रो, रिस्टोर एंड कंजर्व 1 trillion ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इन अ बिड टू रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय। सो देर आर 4 options: यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, WWF और WEF, ठीक है? सो दीज आर द 4 options। आपको बताना है कि इनिशिएटिव है फॉर 1 trillion ट्रीज दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दीज 4। सो अपना आंसर मार्क कीजिए। यू कैन पॉज एंड रीड द क्वेश्चन अगेन। सो द करेक्ट आंसर इज WEF। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है कि इनिशिएटिव टू, यू नो, टू कंजर्व ग्रो 1 trillion ट्रीज, राइट? सो बेसिकली इट अपियर्स एम्बिशियस, ठीक है, अंटिल वन ऑफ द पैनलिस्ट एट द डावोस, बिकॉज WEF की जो मीट चल रही है डावोस पे, वहाँ पे ये बोला गया कि जो ट्री पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, 6 trillion से 3 trillion रह गई है, एंड हेंस वी नीड टू कंजर्व एटलीस्ट 1 trillion ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सो दे आर स्टार्टिंग विद 1 trillion ट्रीज, ठीक है? सो wanti.org इट aims to unite the governments, the non-governmental organizations, the businesses and individuals in a mass scale nature restoration, right? So isme na confusion rehta hai ki kya WEF ne launch kiya hoga ye initiative, so you need to know about this, right? Okay, so moving on to the next question. So this is regarding the mammals, theek hai? So consider the following: platypus, echidna, marsupials. Aapko batana hai kaun se inme se mammals ki category mein include kiye jate hain. Options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, all of the above. अभी marsupials बहुत ज़्यादा news में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो bush fire हुई है उसमें जैसे marsupials like koalas and kangaroos, they are the marsupials, they have pouches, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, hence they are in news. Similarly platypus भी इसी वजह से news में है. So Australia bush fires की वजह से काफ़ी ज़्यादा biodiversity इफेक्ट हुई है. यहाँ पर हम लिंक कर रहे हैं साइंस और environment को, तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन से mammals की category में आते हैं. Okay, so the correct option is all of the above, right? So when we talk about mammals, ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिए. Mammals में 3 categories आती हैं: monotremes, placentals and marsupials. Monotremes, अब जब भी हम mammals की बात करते हैं ना, mammals are the ones which give बर्थ टू यंग वंस, है ना, यही हमारी परसेप्शन है. क्योंकि मैमल से पहले जितने भी हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हो गया या रिप्टाइल्स हो गया या एम्फीबियंस हो गया, है ना, तो या फिशेस हो गया, है ना, तो इनमें क्या है, इनमें सब में कॉमन क्या है, eggs होते हैं यंग वंस को. सो मैमल्स इज द वन विच गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है. लेकिन उसमें भी क्या है, 3 categories हैं. मोनोट्रीम्स आर ए यूनिक कैटेगरी जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है. सो दीज आर द वंस विच आर एग लेइन. देन वी हैव मार्सुपियल्स. मार्सुपियल्स ऐसा कहा जाता है कि यंग वन को बर्थ देते हैं, लेकिन द यंग वन इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड नीड्स द, इट इज एन इनकम्प्लीट यंग वन, नीड्स द नरिशमेंट ऑफ द मदर. सो यू नो मार्सुपियल्स इज अ वर्ड फॉर अ पाउच. सो दे हैव अ पाउच एंड द यंग वन वहां पर रहता है टिल इट डेवलप्स इन टू अ, यू नो, कम्प्लीटली डेवलप्स, ठीक है. तो वो एक तरह से इनकम्प्लीट बॉर्न होता है उसमें. और प्लेसेंटल्स आर द वन विच आर लाइक द नॉर्मल मैमल्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, ठीक है. तो मैमल्स में 3 categories आती हैं, ठीक है. एक्सटेंट मोनोट्रीम्स हैं, जो अभी मोनोट्रीम्स हैं, दे आर 5 species हैं. इसमें एक प्लैटिपस है जिसको डक बिल्ट प्लैटिपस के नाम से भी जाना जाता है, एंड 4 species ऑफ एकिडनास, ठीक है. मोस्टली ये जो प्लैटिपस एकिडनास है, दे आर मोस्टली फाउंड इन द
ऑस्ट्रेलियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओनली ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं. और यूनिक फीचर ये है मोनोट्रीम्स का कि मोनोट्रीम्स लेज एग रादर देन गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. एंड देन वी हैव मार्सुपियल्स. सो मार्सुपियल्स आर द वन विच आर बॉर्न इन अ वेरी इनकम्प्लीट स्टेट. सो दे आर माइन्यूट हेयरलेस एंड विद हाइंड लिम्स ओनली पार्शली फॉर्म्ड. सो दे आर पार्शली फॉर्म्ड, राइट. एंड देन दे क्रॉल आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर एंड देन दे लिव इन द पाउच, ठीक है, फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. एंड देन दे आर फुली डेवलप्ड एंड दे आर ऑन देयर ओन, ठीक है. सो अराउंड 2/3 ऑफ देम लिव इन ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद साउथ अमेरिका में. तो मोस्टली मार्सुपियल्स और इवन जो प्लैटिपस और एकिडना है, मोनोट्रीम्स, इनकी पॉपुलेशन भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है, ठीक है. सो इसीलिए न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द बुश फायर्स अ लॉट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी इज इनडेंजर्ड, राइट. सो इंस्टेड ऑफ प्लेसेंटा इन मार्सुपियल द मदर्स मिल्क नरिशेज द यंग एंड अलाउज इट टू ग्रो एंड डेवलप, ठीक है. सो मार्सुपियल जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम मार्सुपियल, इट्स अ लैटिन वर्ड which means pouch, but not all marsupials have pouches, okay. So this is more of a science lecture than your environment, right. The third question is regarding the Zoological Survey of India. Again, a snake eel has been, you know, discovered by the ZSI. So I thought it becomes pertinent that we question is paper discuss kare. So option A, it is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It is headquartered at Kolkata. So aapko batana hai kaun si option sahi hai. One only, two only, both ya. Dono ki dono hi galat hai. Again, you can pause and you can mark your answer. So the correct answer is two only. It is headquartered at Kolkata. There are various regional centers spread out the country, but जो headquarter है वो Kolkata में ही है. पहली statement क्यों गलत है, क्योंकि statutory body नहीं है, लेकिन Ministry of Environment, Forest और Climate Change के अंदर आती है. तो एक part गलत है, दूसरा part सही है, तो ये statement हमारी गलत हो जाती है. So जो ZSI है, it was founded in 1916, ठीक है, and it is under Ministry of Environment, and it is a premier Indian organization in zoological research and studies to promote survey, exploration and research of fauna in the country. ठीक है, so mostly जो discoveries होती हैं वो ZSI ही करता है, right? And it is headquartered at Kolkata, but there are various regional centers. For example, अभी जो Odisha में center है, that has discovered the new species of snake eel, right? Moving on to the fourth. So the options are, it is located in Karnataka, it is located at the mouth of Kali River, it is known as Kashmir of Karnataka. ठीक है, so तीन options है, आपको बताना है कौन सी सही है. वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या तीनों की तीनों statements ही सही हैं. So अपना answer mark कर लीजिए. So the correct answer is all of the above, right? So जो कारवाड़ है ये कर्नाटका में located है, it is very near to Goa. ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड एट दी माउथ ऑफ द काली रिवर, और काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है ये. एंड इट्स ज्योग्राफी क्रिएट्स अ नेचुरल हार्बर विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉनसून वेदर. बेसिकली इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन सह्याद्री एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ईस्ट, ठीक है, ब्लू अरेबियन सी इसके वेस्ट में है, एंड टूवर्ड साउथ एंड्स विद हार्बर, एंड नॉर्थ वी हैव द काली रिवर, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ कारवाड़ इज, एंड इट इज़ एन ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट आउट ऑफ द 10 माइनर पोर्ट्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीर ऑफ कर्नाटका. सो दिस वॉज गिवन बाय, द नेम वॉज गिवन बाय टैगोर, एंड ही हैज़ रिटन अ ड्रामा विच इज़ बेस्ड ऑन कारवाड़, ठीक है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वे इज ऑल्सो. तो अभी ये न्यूज़ में था बिकॉज इस पर जो डेवलपमेंट हो रही थी वो नहीं हो रही है अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट. सो इट वॉज अ न्यूज़, सो हैंस दिस पोर्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. देन द लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द वाइट राइनोज. फर्स्ट ऑप्शन इज द नदरन वाइट राइनोसरस इज फंक्शनली एक्सटिंक्ट. द वर्ल्ड्स लास्ट नोन मेल नदरन वाइट राइनोसरस डाइड इन सूडान इन 2018. द IUCN स्टेटस ऑफ नदरन वाइट राइनोसरस इज critically endangered, ठीक है. तो ये तीन statements हैं. So it has been in news, Nadran white rhinoceros has been in news because the scientists are attempting an IVF so that जो ये Nadran white rhinoceros है इसको हम save कर सकें, इसके ज़्यादा numbers बढ़ा सकें. So that is why it has been in news. Well, आपको बताना है कौन सी सही है options. One and two only, two and three only, one and three only, या तीनों की तीनों ही सही हैं. सो अपना आंसर मार्क कर लीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज वन एंड थ्री ओनली. सी, इट इज़ फंक्शनली एक्सटिंक्ट बिकॉज वी ओनली हैव फीमेल्स लेफ्ट. द वर्ल्ड्स लास्ट नोन मेल डाइड, बट हिज नेम वॉज सुदान, बट ही डाइड इन केन्या. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, राइट.
And if you look at the status, yes, it is critically endangered, right? Not yet extinct. So, जो नदरन वाइट राइनोसरस है ना, अभी 2018 में पता चला कि सिर्फ दो फीमेल ही रह गई हैं एंड बोथ ऑफ देम आर इन कैप्टिविटी, हेंस दे आर फंक्शनली एक्सटिंक्ट. ठीक है, जो लास्ट मेल था दैट डाइड इन केन्या इन 2018, सो वी हैड ओनली टू फीमेल्स लेफ्ट, सो दे आर फंक्शनली एक्सटिंक्ट. फंक्शनली एक्सटिंक्ट का मतलब है जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इतने कम नंबर्स हैं या नंबर्स बहुत सेग्रीगेटेड हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. ठीक है, सो दे आर फंक्शनली एक्सटिंक्ट. अब ना एक और चीज़ में आपको ध्यान में रखना है, IUCN स्टेटस अगर वाइट राइनो का आपसे पूछा जाए ना, वो नियर थ्रेटेंड है, उसकी सब स्पीशीज है. फॉर एग्जाम्पल नदरन, जिसकी हम ये सारी बात कर रहे हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और सदरन है जो वो नियर थ्रेटेंड है. ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है. अभी क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि IVF के थ्रू जो नदरन वाइट राइनोसरस है उसका एक एम्ब्रियो हैज बीन क्रिएटेड. अब एम्ब्रियोज हैव बीन प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड दे विल बी ट्रांसफर टू अ सदरन वाइट सरोगेट. ठीक है, नदरन वाइट में दो फीमेल्स हैं उनमें नहीं करेंगे, सदरन वाइट सरोगेट में करेंगे, बिकॉज जो दो लिविंग नदरन वाइट फीमेल्स हैं दे कैन नॉट कैरी अ प्रेगनेंसी एंड द जेस्टेशन पीरियड इज 18 months. तो जो पहला काफ है एक्सपेक्टेड इन 2022. ठीक है, सो द अल्टीमेट गोल द साइंटिस्ट से थ्रू IVF इज दैट कुछ नंबर क्रिएट हो जाए, लेट्स से 5 नदरन वाइट राइनोस क्रिएट हो जाए कि हम उसको वाइल्ड में छोड़ सकें और वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट से बेटर हो पाए. ठीक है, बट ऑब्वियसली वो कहते हैं कि इसको बहुत डेकेड्स लग जाएंगे, बिकॉज एग्स जो कलेक्ट करने हैं, अभी जो फीमेल्स जो दो रह गई हैं, इट विल बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट बिकॉज दे एज एंड वेन दे विल ग्रो ओल्डर. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग योर वाइट राइनोसरस. सो वी हैव नदरन एंड वी हैव सदरन. नदरन इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट विद ओनली 2 फीमेल्स लेफ्ट इन द होल वर्ल्ड, वेर एज सदरन इज स्टिल हैविंग गुड नंबर्स. तो IVF से एम्ब्रियो बनाया है वो सदरन वाइट राइनोसरस में डालेंगे. ठीक है, बिकॉज जेनेटिकली थोड़ा सिमिलैरिटीज तो उनमें है ही. ठीक है, सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर प्रीमिक्स. प्लीज़ अपना स्कोर कॉमेंट्स में लिखिएगा और मिलते हैं जल्दी ही. थैंक यू.